हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन बिरयानी। इसके लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो चिकन लिया है, बिरयानी मसाला, गरम मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, रिफाइंड ऑयल, धनिया, पुदीना का पत्ती, धनिया पाउडर, अदरक लहसुन और मिर्चा पेस्ट, केवड़ा वाटर, रोज वाटर, टमाटर, प्याज, ऑयल, फूड कलर, घी, नमक। इसके लिए मैंने बेरेस्ता बना कर दही, अंडा और आलू को मैंने फ्राई करके रखा है। आप चाहे तो इसको बॉईल करके भी ऐसे भी दे सकते हैं बिना फ्राई के। मैंने इसको फ्राई कर लिया है और चावल को मैंने उबाल लिया है पहले। केसर को मैंने दूध में भिगो कर रखा है, गर्म दूध में। तेज पत्ता आपको चाहिए इसके लिए। अब मैं इसको मैरिनेट करूँगी। चिली पेस्ट, अदरक आधा चम्मच, लहसुन पेस्ट एक चम्मच, इसका इसमें लिया है और आधा मैं जब चावल को बिठाऊंगी उसको ऊपर दूंगी। इसके बाद मैं यहाँ पे पुदीना, धनिया, गरम मसाला, दही, मैंने यहाँ पे दही करीब 4 चम्मच लिया है। बिरयानी मसाला, धनिया पाउडर, इसमें मैं करीब 2 चम्मच अच्छे से मैरिनेट कर लीजिए। मैं हाथ से कर रही हूँ क्योंकि चम्मच से करने से अच्छा मिक्स नहीं होगा, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मिक्स मैंने मैरिनेट कर लिया है, अभी इसको आधा घंटे के लिए ढक के रख दीजिए। मैं यहाँ पे 2 चम्मच डाल ले रही हूँ। खड़े मसाले मैंने यहाँ पे लिया है, चावल को खड़े मसाले, नमक और पानी में बॉईल किया है। देखिए ज़्यादा ज़्यादा बॉईल मत कीजिएगा, चावल ज़्यादा पक जाए तो अच्छी नहीं बनेगी।
लाल से ब्राउन होने तक आप इसको फ्राई कीजिए। इसके बाद मैंने जो चिकन मैरिनेट करके रखा था उसमें ले दिया है। फ्राई कीजिए जब तक इसका ऑयल ना निकल जाए। मसाला अच्छे से फ्राई होगा तो इसका टेस्ट ज्यादा। दस मिनट के लिए मैं इसको ढक दे रही हूँ। जब तक चिकन फ्राई हो रहा है तब तक मैं इसको गरम कर ले रही हूँ हंडी को। इसमें मैंने तेज पत्ता दे दिया नीचे ताकि नीचे में लग जल ना जाए। ऐसे करके तेज पत्ता को अच्छे से दे दीजिएगा। उसके बाद मैं इसको गरम कर रही हूँ। ढक्कन हटा के देखी हूँ, देखिए इससे ऑयल निकल गया है। एक्स्ट्रा ऑयल था सब पूरा निकल गया है इससे। इसको फिर से ढक दीजिए 10 मिनट के लिए। चिकन जब तक फ्राई हो रहा है अब तक तब तक इसमें चावल को दे रही हूँ। चावल को चारों ओर फैला दीजिए। अब मैं इसमें घी दे दूंगी कोसी। आधा चावल मैंने बचा के रखा है चिकन देने के बाद, फिर से ऊपर मैं और एक लेयर दूंगी। मैं नमक दे दी थोड़ा सा। इसके बाद मैं इसमें योर फूड कलर रेड फूड कलर ये सब जो मैंने दूध में भिगो के रखा है। ढक्कन हटा के चिकन हो गया ऑलमोस्ट रेडी। अब मैं इसमें बिरयानी में इसको दे दूँगी जो चावल को अच्छे से फ्राई हो गया है। अब मैं चिकन को इसमें ऐड कर और एक लेयर दे दूंगी थोड़ा सा दे दूंगी अच्छे से फैला दीजिए इसको।
यस सर। गरम मसाला धनिया दे दीजिए, धनिया पत्ती, पुदीना, रोज वाटर, केवड़ा वाटर, केवड़ा वाटर ज्यादा मत दीजिएगा, थोड़ा सा दीजिएगा। लास्ट में मैं इसमें घी ऐड कर दूंगी। अब इसको ढक दीजिए, स्टीम में इसको कीजिएगा। अब इसमें आटा लगा दीजिए ताकि इसमें स्टीम में हो जाए अच्छे से। अब इसको स्टीम में होने दीजिए 20 मिनट तक। मिलते हैं 20 मिनट बाद। हो गया चिकन बिरयानी, आप देख सकते हैं देखने में बहुत ही अच्छा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी है। अब मैं इसको सर्व करके आपको दिखा रही हूँ। इसको घर घर में जरूर ट्राई कीजिएगा, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक, तब आपको रेसिपी समझ में आएगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अब मैं इसको सर्व करके आपको दिखा रही हूँ, आप देख ही सकते हैं, देखने में जितना ही अच्छा है खाने में भी उतना ही टेस्टी है। आप घर में ट्राई कीजिएगा, मैंने इसको रायता के साथ सर्व किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ओके व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।